बनवारी लाल कंसल ने मंडी शुल्क खत्म करने के लिए केंद्र सरकार को लिखा पत्र। इटावा जिले के व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवारी लाल कंसल ने व्यापारियों के साथ बैठक आहूत की, जिसमें संतोष चौहान को व्यापार मंडल का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया। शैलेश जैन वरिष्ठ महामंत्री और नरेश यादव बने कोषाध्यक्ष। फूलमालाओं से व्यापारियों ने इनका स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तीनों पदाधिकारियों को प्रपत्र सौंपा। इटावा व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि जो मंडियों के अंदर व्यापारियों से शुल्क वसूला जाता है, उस मंडी शुल्क को खत्म किया जाए। इसके लिए हम केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से बंद कराने का प्रयास कर रहे हैं और दोनों सरकारों को पत्र भी लिखे हैं। लॉकडाउन में व्यापारी काफी परेशान हुए हैं। उनकी समस्या है, जब 3 महीने दुकानें नहीं खुली हैं तो उनसे 3 महीने का बिजली का पैसा ना लिया जाए। वहीं कंसल जी ने पुलिस पर निशाना साधते हुए कहा कि बाजार में हथठेले वालों से पुलिस पैसा वसूल करती है। आखिर हथठेले वाले बेचारे कहाँ जाएं, और जिन व्यापारियों ने लोन लिया है और भारत सरकार उनके लोन की ब्याज को भी माफ करे। ऐसा सतमन्यु पुरवार जी हमारे यहाँ जिलाध्यक्ष थे, तो कुछ वो अस्पष्ट हैं तो इसके कारण जो है वो जिलाध्यक्ष का पद संभालने में असमर्थ है, और उन्होंने हमसे इच्छा जताई कि भाई कुछ दिनों के लिए हमें इससे मुक्त कर दिया जाए और प्रदेश में हम रह करके काम कर लेंगे। तो इसलिए हमें जिला कमेटी का पुनर्गठन करना था। आज हमने संतोष चौहान को जिला अध्यक्ष घोषित किया है, और शैलेश जैन जी जो हमारे महामंत्री थे पुणे, उनको महामंत्री घोषित किया है, और नरेश यादव जी को जिला कोषाध्यक्ष पुणे घोषित किया है। मुझे उम्मीद है कि ये कमेटी बहुत अच्छा काम करेगी और 15 दिन के अंदर ये नगर कमेटी भी बना लेंगे, युवा नगर कमेटी बना लेंगे, जिले की पूरी कमेटी बना लेंगे और जिला युवा की कमेटी बना लेंगे, और 15 दिन में पूरी कमेटी का गठन हो जाएगा। फिर जुलाई में यहाँ की सभी कमेटियों का शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। दूसरा निर्णय यहाँ पे ये लिया गया है कि जो अभी भारत सरकार द्वारा मंडी शुल्क खत्म किया गया है, ये पूरी तरीके से खत्म नहीं किया गया है, ये केवल आधी तरीके से खत्म किया गया है। मंडी के बाहर का टैक्स खत्म हुआ है, मंडी के अंदर का टैक्स खत्म नहीं हुआ है। जिन व्यापारियों